हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट रशिता शर्मा और आपके लिए लेकर आ गई हूं एक और नया वीडियो। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज के फर्स्ट ओडीआई का मैच प्रिडिक्शन के बारे में। तो ये मैच होने वाला है प्रोविडेंस स्टेडियम पर, इसलिए पहले आपके साथ प्रोविडेंस स्टेडियम की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जैसे उसके फैक्ट, स्टैट्स, रिकॉर्ड्स क्या है, हाईएस्ट कितना बनता है, पिच का बिहेवियर क्या है, टॉस फैक्टर क्या होने वाला है, और उसके बाद हम आपके साथ प्लेइंग 11 शेयर करेंगे दोनों ही टीम्स के, और आपको बताएंगे कि आप अपनी ड्रीम 11 या फैंटेसी टीम्स में कौन से प्लेयर्स ले सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो प्रोविडेंस स्टेडियम ओपन हुआ था 2006 में। इसकी कैपेसिटी है लगभग 15,000 स्पेक्टेटर्स। इसको गुयाना नेशनल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, और इसके एंड्स हैं मीडिया सेंटर एंड और पेवेलियन एंड। इसकी लोकेशन है गुयाना, वेस्ट इंडीज। इसका टाइम जोन है UTC-04, और ये ग्राउंड होम टाउन है वेस्ट इंडीज टीम का, और इस स्टेडियम में फ्लडलाइट्स भी हैं। ये हो गए हमारे फैक्ट्स। अब चलते हैं हम स्टैट्स की तरफ। T20 इंटरनेशनल और ODI और साथ ही साथ वुमेन T20 के भी स्टैट्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं T20 इंटरनेशनल के स्टैट से। टोटल यहाँ पर 7 मैचेस खेले गए हैं T20 इंटरनेशनल के। बैटिंग फर्स्ट करने पर 3 बार टीम जीती है, बैटिंग सेकंड करने पर 4 बार। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैट में लगभग 146 के आसपास बनता है। हाईएस्ट बनाए हैं इंग्लैंड ने 191 रन 5 विकेट्स में। लोएस्ट बनाए हैं आयरलैंड ने 68 रन 10 विकेट्स पे। स्कोरिंग पैटर्न पर चलते हैं। बिलो 150 यहाँ पर 4 बार बन चुका है। स्कोर बिटवीन 150 एंड 169 एक बार बना है। स्कोर बिटवीन 170 एंड 189 एक बार बना है, और अबव 190 यहाँ पर सिर्फ एक बार बना है। अब चलते हैं ODI के स्टैट्स की तरफ। ODI यहाँ पर 21 खेले गए हैं मैचेस। बैटिंग फर्स्ट करने पर 13 बार टीम जीती हैं, बैटिंग सेकेंड करने पर 8 बार जीती हैं। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैट में 233 के आसपास होता है। हाईएस्ट यहां पर बनाए हैं पाकिस्तान ने 308 रन 5 विकेट्स में। लोएस्ट बनाए हैं वेस्ट इंडीज ने 98 रन 10 विकेट्स पे। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो बिलो 200 5 बार बन चुका है। स्कोर बिटवीन 200 एंड 249 5 बार बना है। स्कोर बिटवीन 250 एंड 299 9 बार बना है, और अबव 300 यहाँ पर 2 बार बन चुके हैं। अब चलते हैं वुमेन T20 इंटरनेशनल के स्टैट्स की तरफ। यहाँ पर टोटल 15 मैचेस खेले गए हैं। तो बैटिंग फर्स्ट करने पर 9 बार टीम जीती है, बैटिंग सेकंड करने पर 6 बार। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैट में 123 के आसपास बनता है। हाईएस्ट यहाँ पर बनाए हैं इंडिया वुमेन टीम ने 194 रन 5 विकेट्स में। लोएस्ट बनाए हैं इंडिया वुमेन टीम ने 50 रन 7 विकेट्स में। स्कोरिंग पैटर्न है बिलो स्कोर 150 11 बार बन चुका है। स्कोर बिटवीन 150 एंड 169 3 बार बना है। स्कोर बिटवीन 170 एंड 189 1 बार भी नहीं बना है, और अबव 190 यहाँ पर 1 बार बन चुका है। तो गाइज, ये हो गए हमारे स्टैट्स T20 इंटरनेशनल, ODI और वुमेन T20 इंटरनेशनल के। अब चलते हैं हम हेड टू हेड की तरफ, वो भी टेस्ट फॉर्मेट के। सबसे पहले तो यहाँ पर वेस्ट इंडीज जीती है 14 टाइम्स और बांग्लादेश जीती है 4 बार। अब बात करते हैं ड्रॉ की, तो दोनों ही कंट्रीज के दो दो मैचेस ड्रॉ हुए हैं। वेस्ट इंडीज की होम वॉन 7 हुई है और बांग्लादेश की होम वॉन 2 हुई है। वेस्ट इंडीज की अवे वॉन 7 हुई है और बांग्लादेश की अवे वॉन 2 हुई है। तो ये थे हमारे हेड टू हेड टेस्ट फॉर्मेट के। अब चलते हैं हेड टू हेड ODI फॉर्मेट के। ODI फॉर्मेट में वेस्ट इंडीज जीती है 21 बार और बांग्लादेश जीती है 18 बार, और होम वॉन की है वेस्ट इंडीज ने 8 बार और बांग्लादेश ने की है 9 बार, और अवे वॉन वेस्ट इंडीज ने की है 10 बार और बांग्लादेश ने की है 5 बार। तो ये हो गए ODI के हेड टू हेड। अब चलते हैं T20 इंटरनेशनल के हेड टू हेड के तरफ। यहाँ पर वेस्ट इंडीज जीती है 7 बार और बांग्लादेश जीती है 5 बार। नो रिजल्ट यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज का एक एक बार आया है। होम वॉन वेस्ट इंडीज का 2 है और बांग्लादेश का भी होम वॉन 2 है। अवे वॉन वेस्ट इंडीज का 4 है, अवे वॉन बांग्लादेश का 0 है। तो गाइज, ये हो गए हेड टू हेड तीनों ही फॉर्मेट के। अब चलते हैं हम प्रोविडेंस स्टेडियम के पिच बिहेवियर की तरफ। तो आपको बता दें, यहाँ का जो टिपिकल सरफेस है वो स्लो है, जो कि स्पिनर्स के लिए एडवांटेज होता है, और बॉलर्स बहुत अच्छे से बॉल कर पाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये भी बोला जाता है, अगर कोई बॉलिंग फर्स्ट लेता है तो उसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं मैच को जीतने के, क्योंकि चेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अपोजिट टीम के लिए। तो ये हो गया इसका पिच बिहेवियर। अब वेदर रिपोर्ट पे चलते हैं। टेम्परेचर यहाँ पे 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। प्रिसिपिटेशन होगी 24%, ह्यूमिडिटी 94%, विंड होगी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये हो गया हमारा वेदर रिपोर्ट। अब हम चलते हैं प्लेइंग 11 की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश के प्लेइंग 11 की तरफ।
तो बांग्लादेश के कैप्टन हैं तमीम इकबाल, शकीब अल हसन, मोहम्मदुल्ला, मुसादिक हुसैन, मेहदी हुसैन, लिट्टो दास, अनामुल हक की, मुस्ताफिज रहमान, तस्कीन अहमद, शरीफुल इस्लाम, इदादुत हसन हुसैन। तो ये हो गई हमारी बांग्लादेश के प्लेइंग 11। अब चलते हैं वेस्ट इंडीज के प्लेइंग 11 की तरफ। तो वेस्ट इंडीज में है ब्रैडन किंग, रोबमैन पोवेल, शामार ब्रुक्स, काइली मेयर्स, कीमो पॉल, निकोलस पूरन कैप्टन है, अल्जारी जोसेफ, एकिया हुसैन, ओबेड मैकी, ऑडियन स्मिथ और रोमारियो शेफर्ड। तो ये हो गए प्लेइंग 11 वेस्ट इंडीज के। अब चलते हैं कि आपको अपनी ड्रीम 11 टीम में कौन से बांग्लादेश के बैट्समैन लेने हैं और कौन से वेस्ट इंडीज के बैट्समैन लेने हैं। तो बांग्लादेश में बैट्समैन में आप ले सकते हो शाकिब अल हसन को। इन्होंने मैचेस खेले हैं, 96 रन्स बनाए हैं, 1908 एवरेज है, 22.45 और स्ट्राइक रेट है 119.85। दूसरे बैट्समैन बांग्लादेश से आप ले सकते हैं लिट्टो दास। इन्होंने मैचेस खेले हैं, 48 रन्स बनाए हैं, 917 एवरेज है, 19.93 और स्ट्राइक रेट है 123.42। ये तो ये हो गए बांग्लादेश के दो बैट्समैन। अब चलते हैं वेस्ट इंडीज के दो बैट्समैन की तरफ। तो पहले हैं रोबमैन पोवेल। इन्होंने मैचेस खेले हैं, 39 रन्स बनाए हैं, 619 एवरेज है, 24.76 स्ट्राइक रेट है 138.79। दूसरे आप ले सकते हैं कैप्टन वेस्ट इंडीज के निकोलस पूरन। मैचेस खेले हैं इन्होंने, 57 रन्स बनाए हैं, 1194 एवरेज है, 27.77 स्ट्राइक रेट है इनका 129.08। तो ये हो गए बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के बैट्समैन। अब चलते हैं बॉलर्स की तरफ। तो बांग्लादेश के बॉलर्स में आप ले सकते हो मुस्ताफिजुर रहमान को। इन्होंने मैचेस खेले हैं, 63 और विकेट्स ली है 87। इकोनॉमी है इनकी 7.58, स्ट्राइक रेट है 15.56। दूसरे बॉलर जो आप ले सकते हैं वो है शरीफुल इस्लाम। मैचेस इन्होंने 19 खेले हैं, विकेट्स 25 लिए हैं, इकोनॉमी है 7.45, स्ट्राइक रेट है 14.8। अब चलते हैं वेस्ट इंडीज के बॉलर्स की तरफ। वेस्ट इंडीज में आप ले सकते हो अल्जारी जोसेफ को। इन्होंने मैचेस खेले हैं, 12 विकेट्स ली हैं 13, इकोनॉमी है 9.8 और स्ट्राइक रेट है इनका 17.85। दूसरे बॉलर जो आप ले सकते हो वेस्ट इंडीज में वो है ऑडियन स्मिथ। इन्होंने टोटल मैचेस खेले हैं, 10 विकेट्स ली हैं 7 और इकोनॉमी है इनकी 11.12, स्ट्राइक रेट है इनका 21.43। तो ये हो गए चार बैट्समैन हमारे और चार बॉलर्स, दो बांग्लादेश के और दो वेस्ट इंडीज के। अब चलते हैं हम प्रोविडेंस स्टेडियम के ODI के हाईएस्ट स्कोर की तरफ कि यहाँ पर किसने कितना रिकॉर्ड बनाया है हाईएस्ट स्कोर का ODI फॉर्मेट में। तो सबसे पहले यहाँ पर बनाए हैं वेस्ट इंडीज ने 309 रन 6 विकेट में वर्सेज में पाकिस्तान के। फिर बनाए हैं पाकिस्तान ने 308 रन 5 विकेट में वर्सेज में वेस्ट इंडीज के। फिर बनाए हैं श्रीलंका ने 303 रन 5 विकेट्स में वर्सेज में वेस्ट इंडीज के। फिर बनाए हैं पाकिस्तान ने 282 रन 5 विकेट्स पे वर्सेज में वेस्ट इंडीज के। फिर बनाए हैं बांग्लादेश ने 279 रन 4 विकेट्स में वर्सेज में वेस्ट इंडीज के। फिर बनाए हैं वेस्ट इंडीज ने 271 रन वर्सेज में बांग्लादेश के। उसके बाद बनाए हैं इंग्लैंड ने 270 रन 7 विकेट्स में वर्सेज में वेस्ट इंडीज के। उसके बाद बनाए हैं बांग्लादेश ने 268 रन 6 विकेट में वर्सेज में वेस्ट इंडीज के। उसके बाद बनाए हैं इंग्लैंड ने 266 रन 7 विकेट्स में वर्सेज में आयरलैंड के। और 10th नंबर पर है वेस्ट इंडीज, इन्होंने बनाए हैं 264 रन 8 विकेट्स में वर्सेज में इंग्लैंड के। तो ये हो गए हाईएस्ट ODI के रिकॉर्ड। अब चलते हैं हम टॉस फैक्टर की तरफ। तो ODI में मैचेस जीते गए हैं बैटिंग फर्स्ट करने पर 13 और बॉलिंग फर्स्ट करने पर 8, और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पर 225 का बनता है, एवरेज सेकेंड इनिंग स्कोर 199 के आसपास बनता है। तो जैसा कि इसके पहले के रिकॉर्ड्स देख के पता चल रहा है कि बैटिंग फर्स्ट लेने वालों के ज़्यादा चांसेस होते हैं मैच को जीतने के लिए। इसीलिए यहाँ पर भी अगर कोई भी टीम टॉस जीतेगी तो वो बैटिंग ही चूज करने वाली है। अब T20 के भी अगर हम देखें तो T20 में भी बैटिंग फर्स्ट करने पर 13 बार टीम जीती हैं और बॉलिंग फर्स्ट करने पर 8 बार टीम जीती हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 122 के आसपास बनता है और एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर 89 के आसपास बनता है। तो प्रोविडेंस स्टेडियम पे अगर मैच है तो टॉस जीतने वाली टीम हमेशा बैटिंग ही चूज करेगी, क्योंकि बैटिंग उनके लिए बेनिफिशियल होती है और उनकी गेम जीतने में भी ज़्यादा हेल्प करती है। तो गाइज ये थी प्रोविडेंस स्टेडियम की पिच रिपोर्ट, साथ ही साथ मैच प्रिडिक्शन भी वेस्ट इंडीज वर्सेस बांग्लादेश के फर्स्ट ODI मैच की। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।